सोलन में महिला मोर्चा द्वारा अटल जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिमधर सूत ने की। इस मौके पर उपस्थित सभी महिला मोर्चा के सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महिला मोर्चा के सदस्यों ने कविता पाठ कर उन्हें याद किया। वहीं रशिमधर सूत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अटल जी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करवाई और उन्हें अटल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिमधर सूत ने बताया कि अटल जयंती पर उनके द्वारा सोलन में सुशासन दिवस मनाया गया। उपस्थित सभी महिलाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज अटल जी द्वारा रचित कविताओं को पढ़ा गया। उनकी कविताओं से सभी को चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आती है, राष्ट्रीयता का ज्ञान होता है। उन्होंने कहा कि आज वे कविताओं के माध्यम से सभी के बीच जीवित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया था, इसलिए भाजपा ने भी इस बात को अपनाया और सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपके माध्यम से हम अटल जी को अपने जो श्रद्धा है अटल जी हैं उन्हें नमन करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने आज अटल जी को उनकी कविताओं के माध्यम से आज याद किया है। उनके द्वारा रचित कविताओं में चुनौतियों का स्वर है, अनुभूति का स्वर है, राष्ट्रीयता का स्वर है, वीर रस है, भक्ति रस है। ना जाने वो कितने महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने हृदय को हम सबके सामने रख दिया और आज हम उनकी कविताओं को पढ़कर महसूस करते हैं कि उन्होंने कितना सटीक लिखा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए सुशासन दिवस को मनाते हुए आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विकास, और यही हमारा मूल मंत्र है।